8 दिसंबर 2004 25 साल के रवि कुमार का प्रमोशन होता है, जिसके बाद उनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से जंप होकर 5 लाख रुपए हो जाती है। अब रवि सोचते हैं कि मैं मुंबई के अंदर एक 2 बेडरूम वाला अपना घर लूंगा। वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर को बुलाता है और उसके बाद उससे घर का प्राइस पूछता है। एंड गेस व्हाट, ही वाज शॉक्ड। एक छोटे से गंदे से 1 BHK का प्राइस था 27 लाख रुपए। जिसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अगर घर लूंगा तो मुंबई के अंदर ही लूंगा, और उसके बाद वो पैसे उड़ाना बंद कर देता है, ओवरटाइम काम करना चालू कर देता है ताकि वो एक घर को अफोर्ड कर पाए। और 50 साल की उम्र तक यानी कि अगले 25 साल में उसने ऐसे कर करके 80 लाख रुपए जमा कर लिए, जिसके बाद वो छाती चौड़ी करके एक नया फ्लैट खरीदने के लिए जाता है। बट गेस व्हाट, अब उसी फ्लैट का प्राइस हो चुका है 1 करोड़ रुपए। रवि का सपना कि मुंबई में एक सी व्यू फ्लैट, ऑफिस के अंदर इज्जत, ये सारी चीजें एक झटके में टूट जाती है। पर क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि 25 साल के अंदर एक फ्लैट की कीमत 27 लाख रुपए से बढ़कर सीधा 1 करोड़ रुपए हो जाती है, और वो भी एक ऐसा फ्लैट जो कि कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, एक छोटा सा 1 BHK है, यानी कि सीधा सीधा 400% की ग्रोथ। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मुंबई की ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो इतना ज्यादा रियल एस्टेट का डिमांड है, इस चीज की वजह से वहां पर रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि सच्चाई कुछ और है, और ये कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। अंबानी, सलमान, शाहरुख, इन सारे लोगों को मुंबई में रहने से प्यार है, बट अगर एक बारी हम न्यूयॉर्क सिटी के 1 BHK अपार्टमेंट का प्राइस कंपेयर करें तो वो होता है 5 करोड़ रुपए। ऑन दी अदर हैंड, मुंबई के अंदर भी एक अच्छे एरिया के अंदर एक 1 BHK का प्राइस करीब 3 करोड़ रुपए तक चला जाता है। अब अगर हम मुंबई और न्यूयॉर्क इन दोनों सिटीज को कंपेयर करें और परचेसिंग पावर पैरिटी को थोड़ा सा कम कर दे तो ऑलमोस्ट इन दोनों के प्राइसेस सेम है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि आखिर मुंबई के अपार्टमेंट्स का प्राइस न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट्स के प्राइस जितना सिमिलर कैसे हो सकता है। वेल, इस चीज को समझने के लिए आपका सबसे पहले इन 3 चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, कि आखिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री काम कैसे करती है। नंबर 2, कि आखिर मुंबई की हिस्ट्री क्या रही है। एंड 3rd एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, कि आखिर मुंबई के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। सो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री काम कैसे करती है। इफ यू लुक वेरी वेरी क्लोजली तो आपको दिखेगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ये 3 टाइप के लोग काम करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टर। नंबर 2, बिल्डर। एंड नंबर 3, डीलर। सो टेक्निकली एक इन्वेस्टर एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है ताकि उसको कैपिटल गेन्स और कैश फ्लो मिल पाए। वहीं पे एक बिल्डर उस प्रॉपर्टी को डेवलप करवाकर आगे सेल ऑफ करता है ताकि वो उसमें बीच में अच्छा खासा मार्जिन अर्न कर पाए। एंड ऑन दी अदर हैंड, इन दोनों लोगों को आपस में कनेक्ट कराते हैं डीलर्स, जो कि ये पूरी डील करवाते हैं और बीच में अपना कमीशन अर्न करते हैं। आज की डेट में अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हर कोई बंदा शेयर मार्केट की बात कर रहा है, ट्रेडिंग की बात कर रहा है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, द रियल मिलियनेयर्स आर मेड इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात समझाता हूं। इसको पहले समझने के लिए ये समझते हैं कि लोग किन-किन तरीकों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमाते हैं। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली शेयर मार्केट से भी ज्यादा होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे भी ये 3 कारण होते हैं। सबसे पहला, पॉजिटिव कैश फ्लो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर आपके पास कोई कमर्शियल ऑफिस है या फिर आपके पास कोई होटल है या फिर कोई भी और कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिससे आपको मंथली 50,000 रुपीज का रेंट आ रहा है। अब अगर आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को रखने के लिए रखे जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपका मॉर्गेज हो गया या कोई भी पेमेंट हो गया, वो सब भी मान लो अगर 40,000 रुपए पर बैठता है, तो टेक्निकली आपको हर महीने ये सारे खर्चे हटाने के बाद भी 10,000 रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट करके दे सकती है, सारी नहीं होती बट बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलरली अगर आपके किसी प्रॉपर्टी का कैश आउटफ्लो उसकी कैश इनफ्लो से कम है तो वो आपके लिए एक नेगेटिव कैश फ्लो बन जाता है। यूजुअली अगर आप रेंटल अपार्टमेंट्स देखोगे तो उनका जो एवरेज कैश फ्लो होता है वो होता है 2-3%। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे जाओगे, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर है, तो वहां पर आपका रेंटल कैश फ्लो अच्छा खासा 8-12% के बीच में वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सी लोकेशन पर परचेज किया है। अब आता है दूसरा तरीका, एंड दैट इज लेवरेज। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब या तो आप 1 करोड़ रुपए पूरे इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप 1 करोड़ रुपए में से कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करो और बाकी का कुछ पोर्शन बैंक से लोन ले लो। फॉर एन एग्जांपल, मान लो आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कंपैरेटिवली कम लोन मिलता है, यानी कि आपको ज्यादा पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा, बट स्टिल आप कुछ पैसा अपनी जेब से दो और बाकी पैसा लोन उठा लो, और उसके बाद उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से आपका जो रेंट आएगा आप उससे अपनी बैंक की EMI पे कर सकते हो। सो टेक्निकली आपके पास थे सिर्फ 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपने उस 1 करोड़ रुपए को रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके बैंक से और ज्यादा लोन उठाकर कुछ लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी वेल्थ और ज्यादा इंक्रीज कर ली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं तीसरे कारण की तरफ, एंड दैट इज एप्रिसिएशन। सी, फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपने 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करते हुए 20% के डाउन पेमेंट्स पर 5 अलग अलग घर उठा लिए। नाउ द
का इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर आप वो पांचों घरों को रेंट पर दे दोगे तो वहां से आपको रेंटल कैश फ्लो भी आएगा। और फॉर एन एग्जांपल, हर एक घर का ईयरली एप्रिसिएशन सिर्फ 5% का भी है तो भी आपको अपने 1 करोड़ रुपए के कैपिटल, जिसको अब आपने 5 करोड़ रुपए बना दिया है, उसके ऊपर 25% का ईयरली एप्रिसिएशन मिल जाएगा। सो टेक्निकली आप कैपिटल गेन्स भी कमा रहे हो, आप कैश फ्लो भी क्रिएट कर रहे हो और आप इसी से बैंक का लोन भी चुका रहे हो। लेकिन इसके अंदर एक कैच है कि रियल एस्टेट के अंदर इस तरीके के रिटर्न्स मिलना छोटी सिटीज के अंदर तो पॉसिबल है, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों के अंदर ये कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसका सिंपल सा रीजन है कि बड़े शहरों के अंदर रियल एस्टेट के प्राइसेस काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है रियल एस्टेट के थ्रू। इसलिए अगर आप देखोगे तो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों के अंदर रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अब बहुत सारे नए नए तरीके आ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीट, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक सेकेंड, क्या ये क्या होता है? रीट एक सेबी रेगुलेटेड व्हीकल होता है जिसका इस्तेमाल करके आप काफी कम कैपिटल का यूज करते हुए रियल एस्टेट के अंदर इनकम जनरेटिंग एसेट्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो देखो, मल्टीपल इन्वेस्टर्स एक पूल ऑफ फंड क्रिएट करते हैं एक रियल एस्टेट कंपनी के थ्रू। अब ये रियल एस्टेट कंपनी इस पूरे पैसे को इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करती है, जिसके बदले में उनको अच्छा खासा रेंट आता हो या फिर अच्छी खासी लीज पेमेंट आती हो। अब इस रियल एस्टेट कंपनी के पास ये जो रेंट और लीज के नाम पर पैसा आता है, इसमें से 90% पैसा इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एसपीवी डेट। यानी कि रीट के अंदर इन्वेस्ट करके आपको पॉजिटिव कैश फ्लो भी मिल जाता है और अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मिल जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप उस कंपनी के शेयर परचेज करते हो जो कि इस इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करती है। और अगर आप मार्केट के अंदर अच्छे ऑप्शंस तलाश करोगे तो आपको ये दिखेगा कि 3 साल का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड है 9% का, जिसको क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड करा जाता है। लेकिन अगर आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि सबसे पहले उस रीट के अंदर कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए विद अ कंबाइंड वैल्यू ऑफ मोर देन 500 करोड़। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर रीट है उसके अंदर एटलीस्ट 80% रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वो रीट कम से कम 90% इनकम जो कि उन प्रॉपर्टीज से आ रही है वो अपने इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। समझने में बहुत टफ लग रहा है तो चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी मार्केट के अंदर नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट आ रहा है, जो कि अभी 3,200 करोड़ का अपना आईपीओ लेके आ रहा है एट अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 15,150 करोड़। अब अगर मान लो आप में से कोई भी इंसान इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आता है पोर्टफोलियो, कि आखिर जिस भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उनका पोर्टफोलियो दिखता कैसा है, और उस पोर्टफोलियो के अंदर भी आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला इनकम जनरेटिंग एसेट, कि आखिर इनकम जनरेटिंग एसेट्स है कौन कौन से। तो अगर हम नेक्सस सिलेक्ट रीट की बात करें तो वहां पर आपको दिखेगा कि 17 मॉल है जो कि 14 अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं, जैसे कि सिलेक्ट सिटी वॉल जो कि दिल्ली के अंदर है, उसके अलावा नेक्सस सी वुड्स है जो कि नवी मुंबई के अंदर है, उसके अलावा नेक्सस एलांटे है जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टीज है उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरी चीज है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेनेंट बेस, यहां पर जो टेनेंट बेस है वो आखिर कितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस की बात करें तो ये जो टेनेंट बेस है ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, 1,000 से भी ज्यादा ब्रांड्स है जहां पर आपको ज़ारा, H&M ऐसे कई सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो टेक्निकली यहां पर जो इनकम है वो पर्टिकुलर सिर्फ एक टेनेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, काफी सारे टेनेंट्स के बीच में डाइवर्सिफाइड है। और दूसरा आता है सिंगल टेनेंट कंट्रीब्यूशन, कि आखिर एक सिंगल टेनेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी इनकम के अंदर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कोई भी सिंगल टेनेंट 3% से ज्यादा रेंटल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो बेसिकली जो इनकम है वो काफी ज्यादा स्प्रेड ओवर हो रखी है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का मैनेजमेंट। अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें तो यहां पर जो मैनेजमेंट है वो है दलीप सहगल, जो कि यहां के सीईओ है, जो कि कंज्यूमर सेक्टर के अंदर 40 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि अलग अलग कंपनीज के अंदर आखिर काम कैसे होता है। और फिर आता है सबसे जरूरी पार्ट, एंड दैट इज इनकम और वैल्यूएशन, कि उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की कितनी इनकम है और उनका वैल्यूएशन आखिर कितना है। तो सिमिलरली अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहां पर मार्केट वैल्यूएशन है 15,150 करोड़। अगर एक साल का डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड देखे तो वो है 8.25%, अगर 2 साल का कैलकुलेट करें तो 16.6% पे आता है, और 3 साल का एवरेज बैठता है 9% पे। यानी कि इनकम भी अच्छी है और मार्केट वैल्यूएशन भी अच्छी है। तो जब भी आप किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये सारे फैक्टर स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। पर एक मिनट, ये सब कुछ तो ठीक है, मगर पहले ये बताओ कि किसी भी शहर के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी का रेट आखिर बढ़ता कैसे है। सो देखो, किसी भी प्रॉपर्टी का रेट इन 4 तरीकों से बढ़ता है। सबसे पहला है लोकेशन, दूसरा है सप्लाई एंड डिमांड, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज, और चौथा है फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो फॉर सपोज आपके सामने ये 2 ऑप्शन रखे जाए, सबसे
सबसे पहला कि आपके पास एक 1 BHK है जो कि स्कूल के, हॉस्पिटल के, ऑफिस के, मार्केट के, इन सारी चीजों के बहुत ही ज्यादा पास है, लेकिन वहाँ पर आपका रेंट है 15,000 रुपए। ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक और 1 BHK है जो कि एक रेगिस्तान के अंदर है, वहाँ पर आपका रेंट है सिर्फ 3,000 रुपए। अब एक बात बताओ कि आप आखिर कहाँ पर रहना पसंद करोगे और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादातर लोग उस 15,000 रुपए वाले घर में ही रहना पसंद करेंगे और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि डेजर्ट वाले एरिया में रहना पसंद करेंगे। सो टेक्निकली उस पर्टिकुलर 15,000 रुपए वाले घर की डिमांड अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसके रियल एस्टेट के प्राइस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, एमिनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन तब भी उनका रेट बढ़ना चालू होता है। सो देखो, इसके पीछे का रीजन होता है फ्यूचर डेवलपमेंटल प्लान्स। जब लोगों को ये पता लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और अभी इस चीज के रेट कंपैरेटिवली कम है, तो फ्यूचर में ये रेट बढ़ने वाले हैं, दैट इज द रीजन कि उस चीज की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो डिमांड स्पाइक होनी शुरू होती है उस पर्टिकुलर चीज का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखो, ये सारी चीजें समझने के बाद आप में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मुंबई के अंदर जो रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रखे हैं उनके पीछे यही कारण है, लेकिन इन सब के अलावा भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुंबई का रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा महंगा हो रखा है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें मुंबई की हिस्ट्री समझनी होगी। ये कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में। अगर आप आज की मुंबई देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी, मगर आज से 300 साल पहले बॉम्बे कुछ ऐसा दिखता था, 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ, और ये था उन आइलैंड्स का नाम माहिम, वर्ली, पार्ले, मजागांव, इसल ऑफ बॉम्बे, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कोलाबा। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी और यही वो पीरियड था जब इन 7 आइलैंड्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस करे गए, जैसे कि जोगेश्वरी केव्स, एलिफेंटा केव्स, वकेश्वर टेंपल और बंगंगा टैंक, और ऐसे कई सारे और भी थे। बट जो असली कहानी है वो शुरू होती है 1498 के अंदर, जब वास्को डी गामा पूरे यूरोप और इंडिया के बीच में एक डायरेक्ट सी रूट निकाल देते हैं, जिसके बाद भारत के अंदर यूरोपियंस की एंट्री होने लगी और सबसे पहले घुसे पोर्चुगीज। लेकिन इन 7 आइलैंड्स की हिस्ट्री के अंदर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब बहादुर शाह जफर और पोर्चुगीज एम्पायर में ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन होती है, जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये 7 के 7 आइलैंड्स अब पोर्चुगीज कंट्रोल करेंगे। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि 1668 के अंदर जाकर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और इन लोगों ने इस पूरे के पूरे 7 आइलैंड्स को मिलाकर इनको नाम दिया बॉम्बे। बट बॉम्बे के अंदर असली ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 1875 के अंदर, जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रही थी और उसी कारण की वजह से यहाँ पर बॉम्बे से सारा का सारा कॉटन जाता था, क्योंकि अमेरिका में इसकी शॉर्टेज हो रही थी। और इसी चीज की वजह से 20th सेंचुरी की शुरुआत आते आते बॉम्बे अब एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका था, जिस चीज की वजह से बॉम्बे में बहुत सारे गुजराती और पारसी ट्रेडर्स आने लगे थे और उन्होंने अपना धंधा सेटअप करना चालू कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉम्बे अब थोड़ा सा क्राउडेड होने लगा था और उस टाइम पे ऑफिसेज और कमर्शियल्स, इन सबकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। बट बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ज्यादा खास नहीं था उस वक्त, इसलिए अब सप्लाई बहुत ही कम थी पर डिमांड बढ़ती जा रही थी, और क्योंकि अब कमर्शियल स्पेसेस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था तो उनके रेट्स बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन ये सब कुछ बर्बाद हो गया जब 1982 के अंदर टेक्सटाइल मिल की स्ट्राइक होनी चालू हो गई, जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई और 2.5 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। पर कुछ समय के बाद ये स्ट्राइक्स तो रुक गई, लेकिन इस चीज की वजह से 80 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बॉम्बे के अंदर बंद हो गई और बॉम्बे की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम से ठप पड़ गई थी। एंड दिस वाज द टाइम जब बॉम्बे को नाम मिला मुंबई, और अब मुंबई जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया से बदलकर सीधा एक रेजिडेंशियल एरिया की तरफ मूव करने लगा था। अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे जहां पर ये मिल्स शामिल थी, उन सबको हटा हटा कर लग्जरी टावर्स क्रिएट होने शुरू हो गए थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने वहां पर जगह बनानी शुरू कर दी। दैट इज द रीजन अगर आप बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आपको ये पता चलेगा कि मुंबई का जो ये एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है, इसके पीछे उसकी इतनी महंगी हिस्ट्री का भी हाथ है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अर्ली 1900s के अंदर मुंबई की पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी कम थी, जो कि 1950s आते आते तक 3 मिलियन पर पहुंच जाती है। एंड शॉकिंगली आज मुंबई की वही पॉपुलेशन 20 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट क्राउडेड सिटीज के अंदर मुंबई का नाम इसलिए है क्योंकि मुंबई के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 31,700 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इफ यू सी वेरी क्लोजली तो आपको इस मैप के अंदर दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आप कोलाबा से आगे बढ़ते जाते हो तो वहां पर रेट्स थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी के कम होते चले जाते हैं। बट वाई? सो देखो, सिंपल सी चीज है, जिस जगह पर रिसोर्सेज जितने ज्यादा होंगे, जैसे कि ऑफिसेज, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, कमर्शियल स्पेसेस, उस जगह पर रेट उतने ही ज्यादा होंगे। और अगर आप इस मैप में देखोगे तो कोलाबा के अंदर काफी सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आगे जाते जाते ये रिसोर्सेज कम होते जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि आगे चल के जो रेट है वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। आप सबके लिए मेरा एक सवाल है, जरा इस बिल्डिंग को बहुत ही ध्यान से देखो। ये जो बिल्डिंग है, क्या आप गेस कर सकते हो कि आखिर इसका रेंट कितना है? वेल, अगर मैं आपको बताऊं तो इस बिल्डिंग का रेंट है 2.5 करोड़ रुपए महीना। एंड यस, ये बिल्डिंग भी मुंबई के अंदर ही है और यहाँ पर जारा का स्टोर है।
अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिसर्चेस, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर इन सभी शहरों के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो रेंटल हाउसिंग की डिमांड है वो 29 लाख से बढ़कर 44 लाख पर पहुंच गई है, और आज भी इन सभी शहरों में 40% से ज्यादा लोग रेंट पर ही रहते हैं। और देखो, बहुत सारे टाइम से लोगों के बीच में डिबेट चलता रहता है कि उनको आखिर रेंट पर रहना चाहिए या फिर उनको घर खरीद लेना चाहिए, पर अगर आप इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि मुंबई के अंदर जो ज्यादातर लोग है वो वहां पर माइग्रेंट्स हैं, और क्योंकि माइग्रेंट्स हैं इसलिए उनके लिए रेंट पर रहना ही ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये चीज उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसलिए अगर आप मुंबई में देखोगे तो ज्यादातर लोग रेंट पर रहना ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, वो वहां पर माइग्रेंट्स हैं, वो वहां पर परमानेंटली नहीं रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि हमें तो हमेशा से यही बताया गया है कि जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस चीज का रेट बढ़ना चालू हो जाता है, लेकिन मुंबई के अंदर तो ज्यादातर लोग रेंट पर रहना चाहते हैं, वो लोग तो रियल एस्टेट खरीदना ही नहीं चाहते, तो फिर आखिर इस चीज के प्राइसेस इतने ज्यादा इन्फ्लेटेड क्यों हैं? सो देखो, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए एक डिफरेंट तरीके का सर्कल रेट सेट करती है, यानी कि अगर इस पूरे एरिया के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो उस पर्टिकुलर सर्कल रेट के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी अपार्टमेंट का प्राइस 1 करोड़ रुपए है बट उसका सर्कल रेट है 1.2 करोड़ रुपीज, तो ऐसे केस के अंदर जो उस अपार्टमेंट को खरीदेगा उसको स्टैम्प ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीजें 1.2 करोड़ रुपीज के ऊपर ही देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। और यही रीजन है कि मुंबई के अंदर जो रियल एस्टेट के प्राइसेज है बहुत ही ज्यादा हाई है। अब आप में से बहुत लोग ये पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर इस सर्कल रेट को कम क्यों नहीं कर देते? तो देखो, स्टैम्प ड्यूटी एक स्टेट की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और अगर कोई भी गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया के सर्कल रेट को कम कर देती है तो उनकी स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट भी कम हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि मुंबई के अंदर रियल एस्टेट के प्राइसेस कम नहीं करे जा रहे, क्योंकि मुंबई की स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है कि यहां पर ज्यादातर लोग जो लोग घर परचेज करते हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और ज्यादातर लोग जो नहीं परचेज करते वो लोग माइग्रेंट्स हैं, वो काम करने आए हैं और उसके बाद वो लोग यहां से चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस चीज से आप और मेरे जैसे आम लोग कैसे बच सकते हैं? क्या हमारे लिए ये पॉसिबल भी है कि हम इस चीज के बारे में कुछ कर सकते हैं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है भी? सिंपल है, हम लोग जब भी घर खरीद रहे होते हैं तो हम लोगों को हमेशा इन चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जब भी आप कोई घर खरीद रहे हो तो ये ट्राई करो कि उसका मार्केट प्राइस उसके सर्कल रेट से ज्यादा हो, ताकि आपका पैसा बच पाए। दूसरा सॉल्यूशन है डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिस्ट्रेस सेल के अंदर बेची जा रही होती है, मतलब कि ओनर उसको बेचना तो नहीं चाहता बट वो बेच रहा है क्योंकि उसकी कोई मजबूरी है। तो ऐसे केस के अंदर आप उनसे बार्गेन करके अच्छा खासा डिस्काउंट पर भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हो। तीसरी चीज, ऑलवेज चेक फॉर हिडन कॉस्ट। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसके अंदर कोई भी हिडन कॉस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर अच्छी खासी हिडन कॉस्ट होती है, जैसे कि मैनेजमेंट के कॉस्ट होता है, एसोसिएशन की फीस होती है, और ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई घर खरीद रहे हो तो उस घर का इंस्पेक्शन करवाओ एक प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर से, जो आपको देखकर यह बता देगा कि इस घर के अंदर आखिर आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पे आपके बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कई सारी और चीजें होती हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छे खासे स्कैम्स होते हैं, और अगर आपको ये चीजें मालूम नहीं होंगी तो अगला स्कैम शायद आपके साथ भी हो सकता है और आपके भी करोड़ों रुपए फंस सकते हैं। अगर आप भी इन स्कैम्स के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज आप ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।